चलो दोस्तों, मोटो जी 5G का फुल ऑन रिव्यू करेंगे आज, और मैं बताऊंगा कि क्या 21,000 रुपए में ये सच में एक बढ़िया फोन है या नहीं। तो आइए पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो मोटो जी 5G दोस्तों, जैसा कि नाम में है, इट्स अ 5G फोन। एंड अभी 5G को लेकर कहना बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में, क्या बैंड सपोर्ट करता है, क्या कैरियर एग्रीगेशन होगा इसमें, नहीं होगा। तो देखो, बैंड अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट से बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा बैंड सपोर्ट करता है, नॉट से तो ज़्यादा करता है, एंड वीवो V20 प्रो से भी थोड़े ज़्यादा बैंड से सपोर्ट करता है ऑन पेपर। अभी तक दोस्तों टेस्ट हमने इसको किया नहीं है, तो 5G जब आएगा तब आएगा, तब हम टेस्ट करेंगे। और नेटवर्क एग्रीगेशन देखो जब आएगा ना, उसी के बारे में पता लगाएंगे जब वो आएगा। तो 5G को लेकर के ये बात अब साइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 5G के लिए लेना है तो ये आपको जानना था एंड हमने बता दिया। अब फ़ोन की बात करते हैं। तो फ़ोन का दोस्तों डिज़ाइन मुझे काफ़ी एवरेज लगा, बल्कि है ये फ़ोन का डिज़ाइन, एंड आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे पोको X3 से कंपेयर करूं या दूसरे डिवाइसेस से कंपेयर करूं तो हाँ, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में पोको X3 इज अ बल्की डिवाइस, एंड उसी तरीके का दोस्तों आपको बल्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट जैसे कि दूसरे फ़ोन्स हो गए, Realme 7 Pro हो गए, एंड आपके जो दूसरे फ़ोन्स हैं अगर आप उनसे कंपेयर करें तब ये फ़ोन थोड़ा सा भारी लगता है एंड थोड़ा सा बल्की है, एंड जब आप इसमें केस या कवर चढ़ाते हैं तो ये और थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ओवरऑल 2-handed यूसेज के लिए ही कहूँगा मैं ये फ़ोन। 1-handed यूसेज कभी कभी आप कर सकते हैं, बट फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर ज़्यादा समय के लिए अगर आप 1-handed यूसेज करना चाहेंगे तो तकलीफ आपको यहाँ पे आ सकती है। तो लगभग 212 ग्राम का है, और उसके बाद कवर केस लगा करके और थोड़ा भारी हो जाएगा, तो ये आप मान के चलिए। नेक्स्ट अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो वो दोस्तों 6.7 इंचेस का IPS LCD फुल HD+ डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलता है। एंड ये दोस्तों जो डिस्प्ले है ये HDR केपेबल है, तो अगर आप YouTube वगैरह में वीडियोस देख रहे हैं तो HDR में चलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है। HDR फंक्शनैलिटी Netflix में अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे आप इसे फुल HD+ में जो वीडियोस वगैरह हैं वो देख पाएंगे। अब इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में एक चीज़ है जो डिस्प्ले और डिज़ाइन दोनों से रिलेटेड है, वो है AMOLED डिस्प्ले एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब इस फोन का दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको फोन के बैक में मिलता है, एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो, एंड 20,000 रुपए के लिए मैं बताऊँ। देखो, अगर 12,000-13,000 रुपए में आता तो अच्छी बात होती, 20,000 रुपए के लिए जो डिज़ाइन है थोड़ा ट्रेडिशनल है। एंड उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे IPS LCD का पैनल मिल रहा है तब भी आपको यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट्स नहीं देखने को मिलते हैं, एंड उसके अलावा आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले विद इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स एक चीज़ मिसिंग होती तो दूसरी चीज़ देनी चाहिए थी, अगर दूसरी चीज़ मिसिंग है तो पहली चीज़ देनी चाहिए थी, बट दोस्तों यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं वो मिसिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों कलर्स वगैरह अच्छे थे, बट फिर अगर आप ब्लैक लेवल सुपर AMOLED से कंपेयर करो तो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। सनलाइट लेजिबिलिटी भी सही है, एंड जो पीक ब्राइटनेस है आई थिंक अच्छी खासी आपको 450-500 मिल जाएगी। डिस्क्लोज अभी तक कंपनी ने किया नहीं था कि कितनी होगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज मुझे इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं है, बिकॉज आपको देखो अगर आप गेम्स खेल रहे हो एंड मूवीज देख रहे हो तो वो रिफ्रेश रेट, हाँ ऑफकोर्स थोड़े बहुत गेम से फ़र्क पड़ता है बट मूवीज़ वगैरह में नहीं पड़ेगा। मूवीज़ में क्या है कि आपको बेटर वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को चाहिए, तो रेड के जो लेवल्स हैं वो थोड़े बढ़िया हैं इस फोन में, एंड ओवरऑल आपको व्यूविंग एंगल्स भी सही मिल जाएगा। बट स्टिल वो जो हम एक बोलते हैं ना कि भाई सुपर AMOLED डिस्प्ले में एक वाओ इफेक्ट होता है, या फिर 120Hz में एक स्मूथनेस इफेक्ट होता है, वो आपको यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं 48 मेगापिक्सल का जो इसका कैमरा आता है, एंड वहाँ पे आई वुड से कि फोटोज़ वेरी नेचुरल, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल खींचता है, एंड कभी कभी जो आसमान का कलर होता है वो हम में से बहुतों को इतना बढ़िया ना लगे, लेकिन अब जैसे आपको जो दूसरे फोटोज़ जो दूसरे कैमरे में थोड़े से बूस्टेड थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। एंड उसी के अलावा थोड़े से सॉफ्टन, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाता है फोटो, शार्पनिंग और अच्छी हो सकती थी, क्लैरिटी और बढ़िया हो सकती थी। सो वो दोस्तों आपको आई थिंक 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ क्लैरिटी बेटर होनी चाहिए। सेल्फीज़ की अगर बात करें
करें तो वो भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट मेरे को दिखी। एंड ओवरऑल आई वुड से कि जो नाइट फोटोज हैं वो भी ऑन एन एवरेज है, तो इट्स अ वेरी एवरेज कैमरा, जहाँ पे अगर आप इसे दूसरे अगर कंपटीशन से कंपेयर करें तो आपको शायद उनकी फोटो ज़्यादा बेटर लगे ना कि इसकी, बट स्टिल सी बहुत अच्छी फोटोज लेता है। एंड अगर आपको नेचुरल वेरी न्यूट्रल टोन अगर आपको अच्छे लगते हैं, HDRs आपको ऑन एन एवरेज बैलेंस अच्छे लगते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। एक्सपोजर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा कि जब ये एक्सपोजर कभी मतलब सेम ही फ्रेम में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपोजर कम हो जाता है, तो वो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से यहाँ पे ठीक हो जाए। नेक्स्ट अगर मैं लाउडनेस मतलब ऑडियो की बात करूँ तो काफ़ी लाउड है एंड क्लैरिटी भी बढ़िया थी। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों नेटवर्क में सेल रिसेप्शन में बात करने में कोई तकलीफ नहीं आई थी। अब बात करते हैं हम OS के बारे में, तो OS दोस्तों आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, नो ब्लोट वेज एट ऑल। एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, अपडेट्स जब आएंगे तब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। एंड कितने साल का अपडेट है वो दोस्तों आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, जब हमको थोड़ा सा और पता चलेगा ब्रांड की तरफ से। अब यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड विद दैट मोटोरोला जेस्टर्स इज अ वेलकम, मतलब बहुत लोगों तो सिर्फ उसी के लिए दोस्तों इस फ़ोन को खरीद लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको थिंग्स लाइक ऐप लॉकर चाहिए, अगर आपको जो फंक्शनैलिटीज़ होती है ना, मतलब मेरे को किसी ने कमेंट में पूछा था कि मोटोरोला में ऐप लॉकर या फिर वो जो MIUI के फीचर्स है वो कैसे लेके आए, तो वो देखो वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगी, आप उसके लिए ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि आप उसको एम्यूलेट कर सकते हो, लेकिन फिर वो जो बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है जैसे कि हाइडिंग द ऐप्स और ऐप लॉकर हो गए या फिर जो दूसरे तरीके के फंक्शनैलिटीज़ होती है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। बट स्टिल आपको क्या मिलेगा, एड फ्री एक्सपीरियंस, क्लीन एक्सपीरियंस, जो मुझे और आई थिंक बहुतों को पसंद आता है। तो आप मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि MIUI Realme UI वर्सेस स्टॉक एंड्रॉयड आप किसको चूज़ करेंगे, स्टॉक एंड्रॉयड या फिर फीचर मतलब फीचरफुल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चलती है, चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया है, आराम से एक दिन से ज़्यादा यहाँ पर जो बैटरी का आउटपुट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब अगर दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको अच्छी रीड राइट स्पीड मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डिवाइस की। अगर आप कॉपी कर रहे हैं, अगर आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई गेम लॉन्च कर रहे हैं, तो जो ऐप ओपनिंग स्पीड है वो भी बढ़िया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया, तो वीडियो रेंडरिंग के लिए एंड थोड़े से जो रिसोर्स इंटेंसिव टास्क होते हैं वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगर गेमिंग की बात करें तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम और हाई दोनों में चला लेगा, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा लैग्स एंड स्टटर्स नहीं देखने को मिले। तो गेमिंग एंड परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट काफी बढ़िया है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहां पे फ्यूचर के लिए 5G कैपेबिलिटीज भी मिल जाएगी, तो प्रोसेसर वाइज आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर डिवाइस। एंड एक चीज जो मुझे अच्छी लगी एंड जो पर्टिकुलर UFS मेमोरी है वो दोस्तों दूसरों के मुकाबले थोड़ी सी बेटर रीड राइट स्पीड देती है, जिससे कि आपको ओवरऑल जो फोन का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फ़ोन का हमने कंपैरिजन भी कर रखा है, आप उस वीडियो को भी देखें। एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस फ़ोन को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके तीन बड़े कारण हैं, एक्चुअली दो, 2+1। अब दो जो बड़े कारण हैं वो ये कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलता है एंड उसी के साथ साथ आपको 5G कैपेबिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो ये दो कारण हो गए। और एक और कारण है इसका स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, बिकॉज उसके अलावा अगर आप देखें जो डिस्प्ले है वो काफ़ी एवरेज है, जो डिज़ाइन है वो भी एवरेज है, और जो कैमरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो भी काफ़ी एवरेज है। तो अगर आप इसे रियलमी 7 प्रो से या फिर पोको X3 से अगर कंपेयर करते हैं तो ऑफकोर्स डिज़ाइन वाइज एंड डिस्प्ले एंड कैमरा वाइज थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन प्रोसेसर वाइज और 5G कैपेबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, सिक्योरिटी वाइज ये अच्छा डिवाइस है। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन रिव्यू, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।